हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन तिलासेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट गुडविल की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट है वोकेबुलरी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल द थ्री स्टेंजास ऑफ द हायम बिगेन विद द वर्ड में वाई। जो मतलब जो तीनों स्टेंजा में स्टेंजा है उसमें फर्स्ट वर्ड किससे शुरू हुआ, में से शुरू हुआ, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल द थ्री स्टेंजास ऑफ द हायम आर इवोकेशन। इवोकेशन मतलब प्रार्थना की गई है टू द डिवाइन स्पिरिट, मतलब किसकी, जो पवित्र आत्मा है ऑन द डेथलेस फ्लेम, और अमर जो आला है उसकी क्या की गई, प्रार्थना की गई है। इसलिए दे बिगेन विद द वर्ड में, इसलिए वे सारे किससे शुरू, वे तीनों स्टेंजा किससे शुरू हुए हैं, द वर्ड में से शुरू हुए हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ द वर्ब्स यूज इन द पोएम। तो ऐसे वर्ब, ऐसे एक लिस्ट बनाना है वर्ब्स की जो इस पोएम में यूज हुए हैं। तो वर्ब यूज इन द पोएम, तो जो वर्ब्स हुए हैं वो पोएम में कौन कौन से, फर्स्ट परफॉर्म, सेकंड लाइज, थर्ड रिजॉल्व, फोर्थ डन, फिफ्थ गाइड, और सिक्स्थ कंट्रोल्स, और सेवेंथ है एबाइड्स, ठीक है। ये सारे वर्ब्स। इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सी द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट है स्प्रिट, ठीक है। तो स्प्रिट मतलब हिंदी में मीनिंग क्या होता है, आत्मा। तो इसके अलग अलग कैसे यूज कर सकते हैं, ही एज ए विनिंग स्प्रिट, मतलब उसकी जीत की भावना है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, उसकी जीत की भावना है। सी हैज़ डिस्टर्ब्ड इन स्प्रिट, मतलब उसकी आत्मा डिस्टर्ब है, ठीक है, या उसकी आत्मा से डिस्टर्ब है, ठीक है। थर्ड, आवर क्रिकेटर्स लैक टीम स्प्रिट, मतलब हमारे क्रिकेटर्स के पास में टीम भावना नहीं है, ठीक है, टीम भावना की कमी है, ठीक है। सम डिवाइन स्प्रिट रूल्स इन द रूल्स द वर्ल्ड, कुछ पवित्र आत्मा इस दुनिया को चला रही हैं, ठीक है। दे डिड द वर्क विथ हाई स्पिरिट, सॉरी दे डिड, वे अच्छे भाव से या उच्च भावना से काम करते हैं, ठीक है। इसमें सेकेंड है मे, मतलब होता है सकना। तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मतलब आप लंबे समय तक जिए, ठीक है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सी मे बी ट्रू, वह सही होगी, ठीक है। सी मे बी ट्रू मतलब वह सही होगी, ठीक है। सी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, यहाँ पर महीने से आ जा रहा है कि वह, उसका जो जन्म हुआ है किस महीने में हुआ है, मे मंथ में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मे के अलग अलग मीनिंग आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है माइंड, ठीक है। तो माइंड में फर्स्ट है, ही इज एन एबसेंट माइंडेड पर्सन, मतलब अपसेंट माइंडेड मतलब एक तरह से पागल, वह क्या है, पागल व्यक्ति है, ठीक है। माय माइंड इज़ इन कन्फ्यूजन, मतलब मेरा माइंड कन्फ्यूजन में, ठीक है। माइंड यूअर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो। प्लीज़ डोंट माइंड व्हाट सी सेज, मतलब ध्यान मत दो कि वह क्या कहती है, ठीक है। फोर्थ नंबर का है फ्लेम, फ्लेम फायर फ्लेम्स इन द हर्थ, हर्थ मतलब क्या होता है, भट्टी, ठीक है। फायर फ्लेम किस में से निकलती है, भट्टी से निकलती है। द रेड फ्लेम एट हर अप, मतलब रेड फ्लेम ने उसे क्या कर ली, खा गई, ठीक है। फ्लेम ऑफ एंगर रोज हाई, मतलब जो गुस्से की जो ज्वाला होती है बहुत ऊपर तक उठती है, ठीक है। ही वॉज बर्निंग विथ फ्लेम ऑफ पैशन, वह पैशन की ज्वाला में जल रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, ठीक है। मतलब सारे जो क्वेश्चन है उनके 25 वर्ड्स में आंसर देने हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन द पियरलेस स्प्रिट, पियरलेस स्प्रिट को एक्सप्लेन करना है। दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, जो सभी क्रिएचर में रहती है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व इन वॉट इज गुड, शायद मेरा माइंड समाधान कर पाए कि क्या सही है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, आंसर है द पोएट एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब समझाना, द यूनिक मतलब अद्वितीय स्प्रिट दैट रिसाइड्स, रिसाइड्स मतलब रहती है इन ऑल लिविंग क्रिएचर्स, मतलब सभी प्राणियों में, टू गाइड और गाइड करती है, टू हेल्प ह्यूमन मतलब मानव को, माइंड टू परफॉर्म उसकी माइंड मतलब जीवात्मा को, परफॉर्म मतलब करने के लिए, गुड डीड्स ओनली सिर्फ अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये पहला आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में डज द डेथलेस डेथलेस फ्रेम, मतलब जो अमर ज्वाला है, इन सेकेंड स्टेंजा लाइन, सेकेंड स्टेंजा लाइन सेकेंड, रिफर्स टू अन एवर लास्टिंग, मतलब कभी ना खत्म होने वाली अमर फ्लेम ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अमर ज्वाला है, ज्ञान की अमर ज्वाला है। एस और द सोल दैट लाइज इन द क्रिएचर्स, और टू द सोल दैट लाइज, और जो आत्मा रहती है क्रिएचर्स में, गिव रीजन, इसका रीजन देना है, ठीक है।
तो इसका आंसर है द डेथलेस फ्लेम्स इन सेकेंड स्टेंजा सेकेंड लाइंस टू रिफर टू एवर लास्टिंग फ्लेम्स। एवर लास्टिंग फ्लेम्स मतलब क्या होता है, कभी ना खत्म होने वाली ज्वाला, ठीक है। द फ्लेम ऑफ नॉलेज, किसकी ज्वाला, ज्ञान की ज्वाला, बिकॉज इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग, क्योंकि यह मदद करती है ह्यूमन बीइंग को टू परफॉर्म करने के लिए वेरियस टास्क, बहुत सारे कार्य। इट आल्सो इनेबल्स, या आल्सो योग्य बनाती है उसको, हिम टू ड्रा ए डिफरेंस, अंतर करने में बिटवीन गुड, व्हाट इज गुड और बैड और राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। थर्ड है इन व्हाट सेंस द वर्ड माइंड यूज्ड इन द पोएम, माइंड का किस सेंस में यूज हुआ है पोएम में, तो द वर्ड माइंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब खुद की आत्मा के लिए, इंडिविजुअल सोल और जीवात्मा, इन द पोएम, खुद की आत्मा के लिए या जीवात्मा के लिए यूज हुआ है पोएम में। व्हाई इज द माइंड लिंक्ड टू ए चैरियटर इन द पोएम, जो माइंड को एक सारथी से क्यों लिंक किया गया है पोएम में, ठीक है। तो द माइंड इज लिंक्ड टू ए चैरियटर, चैरियटर से इसको लिंक किया गया, बिकॉज इट कंट्रोल्स, क्योंकि यह कंट्रोल करती है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द फ्लैशी डिज़ायर, जो हमारे डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करती है, ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक। जस्ट एज द चैरियटर गाइड, जैसे कि सारथी गाइड करता है, एंड कंट्रोल्स द हॉर्स, और घोड़े को कंट्रोल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।